हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के सी एल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी डी फॉर्म सेकेंड ईयर का, और डी फॉर्म सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। कुल 15 सेक्शन में से हम लोग 13 सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं, जिसके नोट्स भी आपके वेबसाइट kclpharmacy.com पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ फिर हम लोग सेक्शन नंबर 14 जो कि कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं, जिसमें एंटीबायोटिक के बारे में बात की जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। एक तरह का ये इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो ये हमारे लंग्स में बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है, और डिफरेंट टाइप की टीबी कॉज करता है। इसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो पेशेंट को खांसी आती है, और ये ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। हमारे पुराने समय में इस बीमारी को घातक माना जाता था, क्योंकि इसकी कोई इलाज नहीं था, तो बहुत से लोग इसकी डेथ होती थी। और जिस पेशेंट को ये हो जाता था, लोग उससे बहुत दूरी बना लेते थे और उसको हमेशा आइसोलेट करके रखा जाता था, कभी कभी तो घर से निकाल दिया जाता था। तो आज के समय में क्या है, कीमोथेरेपी अवेलेबल है। कीमोथेरेपी अवेलेबल होने के कारण इसका इलाज किया जा सकता है, और 6 महीने के अंदर हम टीबी से छुटकारा पा सकते हैं। पेशेंट आसानी से ठीक होकर फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो कीमोथेरेपी जो होती है, बेसिकली उससे पहले जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी क्या होता है कि जब हमारा टीबी का बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्टेड करता है, तो उस टीबी को बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। और अगर वो लंग्स के अलावा बॉडी के किसी और भी ऑर्गन में, बोन में, लंग्स में, किडनी बोन में, किडनी में, ब्रेन सॉरी हार्ट में, कहीं भी कॉज कर सकता है, तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। बेसिकली बोन में होता है लंग्स के अलावा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इसके ड्रग को जो क्लासिफाई किया गया है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को, उसको 3 क्लास में बांटा गया है। बेसिकली 2 क्लास है, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। इसको फर्स्ट चॉइस ड्रग या सेकंड चॉइस ड्रग भी बोलते हैं, या प्राइमरी ड्रग या सेकेंडरी ड्रग भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब है कि बेसिकली हम अगर पेशेंट को टीबी हुआ है पहली बार, और हम उसको फर्स्ट लाइन ड्रग यानी पहली प्रायोरिटी हम जिन दवाओं को देते हैं उसको फर्स्ट लाइन ड्रग कहते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि जब फर्स्ट लाइन ड्रग पेशेंट को ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, उसको दवाएं असर नहीं कर रही हैं, उसको काम नहीं कर रही हैं, तो उस केस में हम लोग सेकंड लाइन ड्रग देते हैं या सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग देते हैं या सेकेंडरी ड्रग देते हैं। एक ड्रग और होता है फ्रेंड, डीआरटी ड्रग। डीआरटी का मतलब होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को हमको ट्यूबरकुलोसिस की इलाज चलता है, तो उसको प्रॉपर रेगुलर मैनर में दवा खानी होती है। अगर वो ये कर रहा है कि उसने टीबी की दवा खाई, उसको थोड़ा सा आराम मिल गया, उसने दवा खाना छोड़ दिया, फिर उसने कुछ दिन बाद स्टार्ट किया, फिर दवा खाना छोड़ दिया, अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो टीबी के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में वापस आएंगे, और फिर वो जो दवाइयाँ हम दे रहे थे उन दवाइयों के खिलाफ वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेंगे, फिर वो उससे ठीक नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नया ड्रग देना पड़ेगा, जिसको डीआरटी बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसके लिए हमको नया ड्रग देना पड़ता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो ये टीबी का डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग की बात करेंगे। बेसिकली प्राइमरी ड्रग या स्टैंडर्ड ड्रग बोलते हैं, और सेकेंडरी को रिवर्स ड्रग भी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग में 2 कैटेगरी है, बैक्टेरियासाइडल और बैक्टेरियास्टैटिक। यानी बैक्टेरियासाइडल जो पूरी तरह से बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरा बैक्टेरियास्टैटिक जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि रोक के रखता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो बैक्टेरियासाइडल में हमारा है आइसोनियाजाइड, आइसोनेटिक एसिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैराजिनामाइड। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में है एथेम्ब्यूटॉल, पैरामिनोसैल्सिलिक एसिड और थायासिटाजोन। सेकेंड लाइन ड्रग फ्रेंड हम तब देते हैं जब प्राइमरी हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी 2 कैटेगरी है, बैक्टेरियासाइडल बैक्टेरियोस्टैटिक। तो उसमें है कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन, और इसका है एथियोसाइनामाइड और साइक्लोसेरिन। फ्रेंड इसको याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन एंटी ट्यूबरकुलर का कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम बारी बारी सभी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन और कहानी समझेंगे। तो पहला हमारा है आइसोनेटिक एसिड यानी आइसोनियाजाइड की बात करेंगे, INHA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि ये हमारी जो सेल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का माइकोलिटिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो माइकोलिक एसिड से बना होता है, और माइकोलिक एसिड फैट कंटेंट है, उसके बिना बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या करता है ये जो हमारा ड्रग है बेसिकली आइसोनियाजाइड या INH, ये क्या करता है, बैक्टीरिया के माइकोलिक एसिड कंटेंट को ही ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। बाकी इसकी काइनेटिक्स बात करें तो ये वेल एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसको पैरेंटल भी दे सकते हैं हम लोग। बेसिकली ओरली टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ये पूरी बॉडी में इसका सर्कुलेशन होता है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो 24 घंटे के अंदर हमारी बॉडी से हो जाता है। कुछ एडवर्स रिएक्शन है, इंटॉलरेंस हो सकता है, फीवर अगर आपको दवा सूट नहीं कर रही हो तो आपको फीवर, जॉन्डिस भी हो सकता है, कुछ पेरिफेरल न्यूट्राइटिस भी हो सकते हैं, सीरियस इफेक्ट भी हो सकते हैं, कन्वल्जन आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, और साइकोसिस या एपिगैस्ट्रिक डिजीज भी हो सकता है, आपको डिस्ट्रेस हो सकता है।
इसका डोज जो होता है बेसिकली 300 mg के टेबलेट आता है, जिसको डेली ओरली रोड से लिया जाता है। दूसरा ड्रग है फ्रेंड रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन की बात की जाए तो एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है रिफाम्पिसिन। ये आपका रिफाइमाइसिन बी का डेरिवेटिव है। ये बैक्टीरियसाइडल होता है और ये इसका काम क्या होता है कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। आपको मैकेनिज्म जरूर याद रखना है फ्रेंड, आपको अगर कंपटीशन तैयारी करनी है आगे फ्यूचर में किसी भी फार्मास्यूटिक एग्जाम के लिए, डीआई एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हमारे बेसिकली वेल एब्जॉर्ब होता है, बाकी पूरी कहानी आप देख लीजिए। एडवर्स रिएक्शन क्या है, हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है अगर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो। और इसका डोज जो होता है वो 450 mg का होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन देखा जाए तो एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से प्राप्त होता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, ये बैक्टीरियासाइडल होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है पता है। इसका मैकेनिज्म ऑप्शन देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म ऑप्शन तीन तरीके से हम कह सकते हैं। पहला तो ये करता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम को अल्टर कर देता है, जो कि आरएनए राइबोसोम कॉम्बिनेशन को अल्टर कर देगा। तो जब आरएनए इसका अल्टर हो जाएगा तो जो ये क्या करेगा, रॉन्ग अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा। बैक्टीरिया को अपने जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोम द्वारा। जब ये राइबोसोम को अल्टर कर देगा तो ये रॉन्ग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। जब रॉन्ग प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो उसकी डेथ हो जाती है, वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाता। और इसके साथ साथ ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को भी इनहिबिट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो तीन मैकेनिज्म से स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करता है फ्रेंड। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, ऑलरेडी आप लिख लीजिएगा। बाकी उसका एब्जॉर्प्शन है, बेसिकली उसका काइनेटिक है एडीएमई, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये पूरली एब्जॉर्ब होता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ सीएसएफ को छोड़ के, यानी ब्रेन में ये नहीं पहुँचता है। उसके साथ साथ लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें फ्रेंड तो वही नौजिया है, इंटॉलरेंस है, एड्स नर्व को डैमेज कर देता है थोड़ा थोड़ा, ये इसलिए इंसान को कम सुनाई देने लगता है, वो बहरा हो सकता है इस दवा का लंबा यूज़ करने से। बाकी रीनल इफेक्ट्स भी हैं और सुपर इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। इसका डोज जो होता है वो 1 ग्राम से लेकर 750 mg की डोज में आसपास आता है, या 30 से 60 दिन खाया जाता है। अगला फ्रेंड्स पायराजिनामाइड, इसकी बात कर ले तो ये भी निकोसिनामाइड कैटेगरी का ड्रग होता है। ये इसका क्या होता है, ये बाकी आप देख लीजिए 150 mg का टेबलेट उसका आता है। एथेम्ब्यूटॉल भी है, ठीक है, ये इसको भी देख लीजिए, सब स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि सब आसान है, जो लिखा है बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको समझा दिया, इसको आप आसानी से लिखिए और नोट्स बनाइए आसानी से फ्रेंड, ठीक है। आगे बात करते हैं पैराबिनोग्लाइकोसाइड, इसको पैस बोलते हैं। ये है थायस्टाजोन है, एडवर्स इफेक्ट है। और सेकेंडरी प्राइमरी ड्रग अगर नहीं काम कर रही है तो हम सेकेंडरी बात करेंगे। तो सेकेंडरी में कैप्रोमाइसिन है, ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस से प्राप्त होता है, ठीक है। कहते ये हमारे जीआईटी में जाके इनएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग हमेशा ओरल रूट से कभी नहीं देते, इसको हम लोग पैरेंटल रूट यानी आईवी या आईएम के फॉर्म में दिया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट के खिलाफ ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसी तरह से कैनामाइसिन होता है, ठीक है, एथियोरामाइड होता है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए और फ्रेंड खुद लिख लीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ बार बार, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। साइक्लोशेरिन है, ठीक है, या कुछ नए ड्रग है जो कि बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, डीआरटी के लिए बताया था ना, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लोरोक्विनोल्स है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन के साथ देते हैं, मैक्रोलाइड देते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं, रिफाब्यूटिन देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें तो, ठीक है फ्रेंड। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, देखिए अगर कोई पेशेंट को किसी हल्की फुल्की कुछ टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको 2 महीने का इलाज करते हैं। उस 2 महीने में 4 मतलब बेसिकली 6 महीने का इसका पूरा कोर्स होता है, ध्यान समझिएगा। 2 महीने अलग दवाएं चलती हैं और 4 महीने अलग, तो शुरू के 2 महीने 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन चलता है। आइसोनियाजाइड का 300 mg में, रिफाम्पिसिन का 450 में, एथेम्ब्यूटॉल का 800 mg में और पैराजिनामाइड का 150 ग्राम में, ये ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और उसके बाद 4 महीने 2 दवाएँ चलती हैं, आइसोनियाजाइड 300 mg और उसके बाद रिफाम्पिसिन 450, बस यही। बाकी शुरू के 2 महीने 4 दवाएं चलती हैं और लास्ट के 3-4 महीने केवल 2 दवाएं चलती हैं। ये बेसिकली 6 महीने का पूरा कोर्स होता है। और जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, अगर आप खुद उसको सजेस्ट करेंगे दवाई उसको जांच के बाद, तो ये आसानी से उसको वो ठीक हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा चैप्टर नंबर 51 कीमोथेरेपी का, हम लोग पढ़ रहे थे ट्यूबरक्लोसिस का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड लेप्रोसी की बात करेंगे, कुष्ठ रोग के बारे में, उसके कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसकी बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। रात काफ़ी हो रही है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।